और ये है मेरी ग्लिच चेयर। तो आज से जैसे आप बैठोगे आप ऐसे बैठोगे जो बहुत ज्यादा ओपी लगता है। फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। तो मैंने आई हैव परचेज 970 जेम फॉर 670 रुपीज एंड दैट्स ओपी। तो मैंने क्या खरीदा 970 जेम में, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे आप देख सकते हैं हॉट लावा शूज खरीदे 80 जेम्स के। तो जैसे आप देख रहे हो आप चलोगे तो नीचे लावा ही गिरते जाएगा जो बहुत ओपी लगता है। साथ में ड्रैगन आर्मर के स्टार आ रहे हैं ना, वो उसको और भी ज्यादा ओपी बनाते हैं। मैंने हेडफोन खरीदे जो लगभग थे 60 के या 30 के। और मैंने आप पीछे देख सकते हैं ये विंग्स खरीदे और जो बहुत ज्यादा ओपी लगे थे मुझे। और इधर से मैंने अपना ये वुल्वरीन का अपना मुंह का चेंज कर लिया और अपना जो इसके हेयर थे मैंने 2 जेम से गोल्डन में कन्वर्ट कर लिया। अपने घर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए, तो चलिए आपको बताता हूँ। चलिए तो, और ये मेरा पेट को आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्वैग वाली गॉगल बना दी 15 जेम्स की। तो ये है मेरा कैरियोके सेंटर, यहाँ लोग गाएंगे सिंगिंग करेंगे और आप यहाँ बैठ के ऑडियंस होंगे। तो चलिए ये हो गया मेरा ट्रैम्पोलिन, ये आप कह सकते हो फन जोन है मेरा, या स्विंग है या टेंट है। ये 80 जेम्स का टेंट है, बहुत महंगा था। और ये है मेरी ग्लिच चेयर। तो ऐसे जैसे आप बैठोगे आप ऐसे बैठोगे जो बहुत ज्यादा ओपी लगता है। तो वो स्विंग रहा मेरा, इधर ये मेरा पेट के लिए, और ये मेरा योगा रूम, काइंड ऑफ योगा रूम। तो चलिए मैं आपको ऊपर का टूर करा के आता हूँ। सो यहाँ से और लग रहा है, मैं इस रूम को भी एक्सचेंज करता हूँ। और ये है मेरा रेसलिंग ग्राउंड, यहाँ पे 2 चेयर लगाई है, हर जगह 3-3-3 ऐसे चेयर्स लगानी है जो एक ओपोनेंट उधर से आएगा और एक ओपोनेंट इधर से आएगा और दोनों के बीच में ढम 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 के डांस बैटल होगी या फाइट होगी। तो ये यहाँ मैंने चेयर को इधर लगा दिया, डाइनिंग टेबल को इधर लगा दिया और ये मेरा नॉर्मल सा बेड। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बेड को एक्सचेंज कर लूँ, मस्त आइडिया, मैं अपने बेड को एक्सचेंज कर लेता हूँ इस वीडियो में। तो मैं अपना बेड कहाँ गया, और अच्छा सा मुझे चाहिए बेड, ओपी बेड यहाँ है तो नहीं कोई ओपी। मैं डबल स्टोरी ले लेता हूँ, मैं बंकर बेड, तो ये बेड मुझे चाहिए नहीं, इसकी जगह हम लेते हैं अपना बंकर बेड। तो सर ये मुझे समझ नहीं आया, अभी आपको बताता हूँ ये है क्या। तो ये मैंने ले लिया इधर से और इसको मैं इधर लगा देता हूँ। तो चलिए अब हम, ओए जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, अच्छा ये लगा हुआ है क्या इधर, ओके। तो एक मिनट मैं ना करता क्या हूँ, अब जाके इधर से चेयर्स खरीद लेता हूँ। ये क्या है, अरे इतना अच्छा कहाँ से मिल गया मुझे, ये है क्या, लिटरली ओपी। इसको मैं जहाँ भी लगता है उधर लगा देता हूँ। तो इधर लग गया और इधर से मैं चेयर्स खरीद लेता हूँ। तो चलिए चेयर्स आ जा, इधर से रोटेट and it's almost done and it's done. So purchase it for 50 and I will purchase पूरी साइड को ना, I will purchase this on all the side. मैं इसको हर साइड पे रख दूंगा तो बड़ा कंजस्ट हो जाएगा, कंजस्टेड। तो चलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कम जेम्स बचे हैं हमेशा की तरह, पर वो था क्या मुझे समझ नहीं आया भाई, है क्या ये स्पिनिंग टॉप है क्या। मैं इसका कैंसिल कर रहा हूँ, बड़ा बेकार लग रहा है, मेरा घर का लुक ही बेकार कर रहा है, जो भी चीज़ है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मेरा गेमिंग लैपटॉप है एज यूजुअल। तो चलिए हम एक दो गेम खेल के देखते हैं अपने आउटफिट के साथ, लोग भाई क्या लग रहे हैं हम लोग। अरे ये कौन है, क्या नाम है, एक मिनट, शाहजीब, हाय शाहजीब। और यहाँ से बाहर जाके हम सीधे चलते हैं टेलीपोर्ट होके उधर। भाई ना मुझे एलिगेटर पर ऐसे डराता करके, मैं बोल रहा हूँ आई बिकम वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम, लिटरली वेरी स्केयर्ड। सो लेट्स गो एंड प्ले। सो दिस इज, वी आर अप टू द आर्केड सेंटर एंड आवर आउटफिट इज लुकिंग ओपी। आई वुड बर्न दिस फ्लोर, आई वुड मेक दिस फ्लोर एज लावा, लावा लावा, फ्लोर इज लावा। सारे भाग जाओ इधर से, सारे भाग जाओ, नहीं तो मैं सबको जला दूंगा, ऐसा होता है मन करने का। सो लेट्स गो एंड लेट्स प्ले। पर भाई इसका रेनबो जो इसका लावा इफेक्ट है ना भाई, मुझे बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो ये मेज का मुझे पूरा करेक्ट पता हुआ कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। तो चलिए अब इधर से जंप करके एंड जंप एंड इस वन इज करेक्ट एंड एज ट्रू एज यूजुअल। सो जंप फ्रॉम हियर जंप 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 भाई जंप तो होने दे नहीं बड़ी मार खाएगा तू अगर जंप ही नहीं होने देगा इस नादान से बच्चे को तू। आई एम अ काइंड ऑफ स्वीट बट दिस मेक्स मी व्हाट कुड आई से एंग्री। आई एम स्वीट बट दिस मेक्स मी एंग्री। ओ ओ ओ ओ भाई मैं नीचे गिरने वाला था अभी के अभी। तो चलिए लेट्स गो फ्रॉम हियर एंड ओपी आई फेल डाउन। आई लाइक दिस वर्ड व्हेन आई फेल डाउन ना आई लाइक दिस। सो लेट्स गो एंड दिस वन इज द करेक्ट एंड वी वॉन। सो ओपी 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 हाय। अब मेरा बस ये लेवल 5 तक हो जाए ना मेरा ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी लिटरली बहुत ज्यादा। तो 95 है अभी मेरे पास तो मैं अपने दोस्तों को बुला के आता हूँ ठीक है। तो चलिए अपने दोस्तों को बुला के आते हैं हम। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है मैं सबको अभी बोलता हूँ लेट्स प्ले क्रेजी रन प्ले प्ले प्ले। हाँ ओ भाई जा किधर ही है लड़की। हाँ भाई मैं भी आऊँगा फिर मैं भी आऊँगा अगर ये इधर आ रही है तो जल्दी जल्दी गेम के अंदर गेम के अंदर गेम के अंदर गेम के अंदर गुस्सो गुस्सो गेम के अंदर सारे सारे and that's op 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 bye 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 so let's play one game one more because mujhe aur do players mil gaye so aur koi nahi aaya bhai koi aaya kyun nahi hi aao bhai koi to aao oh oh so let's go and 3 2 1 We will win this game and hopefully we will win this game. Not that girl. So OP. Oh bro. It just slipped me into the water once again. मैं जो भी मुझे friend request भेजेगा मैं उसका friend बनूंगा ही। तो आप भी मुझे जरूर friend request भेजेगा। तो चलिए इधर से आगे This one is the correct as usual. And I reached up to the limit. So I reached here and whoopee and I went through the correct door I think so whoopee and yippee so let's go bros oh once again this what would I say now so let's go वो वाली लड़की अभी तक आई नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का भाई कुछ सही डोर आ जाओ। सो इधर से चलते ओह शिट 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 भाई वो लड़की आगे नहीं सॉरी आंटी जी सॉरी दीदी। सो एंड एज यूजुअल आई वॉन दिस गेम भाई बच गया मैं लिटरली बचाऊ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर दे दीजिएगा। हाई स्कूल का चक्कर लगा के आते हैं एक तो चलिए हम हाई स्कूल में चलते हैं। ए ओपी 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 भाई साहब ओपी लिटरली ओपी तो हम पढ़ाई के लिए आ चुके हैं यहाँ से किताब पकड़ लेते हैं। तो चलिए आए स्कूल में कोई पढ़ेगा पढ़ाकू बच्चा जल्दी जल्दी जो भी पढ़ाई के लिए आया होगा जल्दी जल्दी आ जाओ पढ़ाई करो सारे भाई मुझे जान तो दो भाई यार इसलिए मुझे बेयर आर्मर में बिल्कुल पसंद नहीं है इस रीजन से भाई मुझे खाने दो। हाँ मजा आ गया। इधर से क्या मिलता है खाली इधर से भी वही कपकेक और ये जगह भी खाली इधर से मैं ले लेता हूँ एक मिल्क। मैंने बर्गर नहीं खाया बर्गर भी खाऊंगा यम 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 यम। तो चलिए भाई कोई है ही नहीं कोई पढ़ता ही नहीं है ये क्या है ये हाथ धोने के लिए जगह है क्या
भाई पानी पीने की जगह ही है, मस्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और अगर कोई सजेशन देने तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर देने का दे देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच एंड टाटा बाय।